नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को जो अभी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही बड़े एक गौशाला में आए हैं जो कि हमारे अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक गौशाला है और वो गौशाला जो है उसमें जो भी गाय हैं उनके बारे में पूरा डिटेल दिखाएंगे और कितनी नस्ल की गाय हैं, कितनी ब्रीड की गाय हैं उनके बारे में बताएंगे। जितनी भी ब्रीड की गाय लगभग आती हैं, सारी ब्रीड की गाय इस गौशाला में है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे और कितनी गाय हैं, कितनी बछड़ियाँ हैं, टोटल कितना है, उन सब के बारे में पूरा दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारी गौशाला के बारे में या डेयरी फार्म के बारे में आए उसको हम आपको देखिए। एक गाय लेकर आए हैं, ये शायद गिर नस्ल की है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। कब बच्चा दिया है, कितना दूध कर रही है, कितना दिन हुआ बच्चा किए, इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। उससे पहले हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो इस गाय की पूरी देखरेख का मैनेजमेंट पूरा इनके हाथ में रहता है, इन्हीं के माध्यम से सब कुछ चलता है। तो सबसे पहले बाऊ जी, जय सियाराम। तो थोड़ा सा बताइए, आपके इस गौशाला में कितनी गाय लगभग हैं? हमारे गौशाला में लगभग 500 गाय है। 500 गाय, छोटी बड़ी बछड़ी बच्चे सब मिला करके 500 हैं। तो ये कौन सी नस्ल की है? ये गिर नस्ल की है। गिर नस्ल, प्योर गिर। प्योर गिर। बच्चा किया है अभी? गाभिन है। कितने दिन में बच्चा करेगी? बस इसी महीने लास्ट तक। अच्छा, इसी महीने में लास्ट तक ये बच्चा करेगी। तो सींग तो बहुत बड़ी बड़ी इसकी है। तो ये दूसरी पेंत में है कि पहली पेंत में? तीसरे पेंत में, लेकिन लग रही है कि बिल्कुल पहले पेंत में है। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा करीब से जाकर खींच लिया। तो ये तीसरी पेंत में आपकी है। बस बस, राजी राजी राजी। तो देखिए साथियों, ये तीसरे ब्यांत में गाय है, गिर नस्ल की गाय है और बहुत ही प्यारी गाय है। तो इसके पहले जब ब्यांत में थी तो कितना दूध कर रही थी? ये 20 किलो कर रही थी। 20 किलो कर रही थी। अच्छा, अब की कितना करेगी, क्या उम्मीद है? ये तो नौ कम 20 किलो कम न दे। 20 किलो से कम नहीं देगी, प्लस ही रहेगी। हाँ, एकदम पूरा। तो एक महीने में बच्चा करेगी? एक महीने। तो ये घर यहाँ आश्रम की बाछी थी या कहीं से लाए थे? गुजरात से आई थी। गुजरात से आई थी। कितने दिन हुआ गुजरात से आई? गुजरात से ये आई है। पहले ब्यांत में आई थी? पहले बछिया थी, आई थी। अच्छा, बछड़ी आई थी, गाभिन थी कि? 35 बछड़ी आई थी। 35 बछड़ी के साथ? अरे गजब। तो उसी में ये थी, तो बहुत ही बढ़िया बछड़ी है, गाय है। तो आपकी 20 प्लस दूध करेगी। तो जब इसको लाए थे लगभग कितने की थी, कुछ आसपास? नहीं नहीं, फ्री सेवा से। अच्छा, फ्री से? फ्री सेवा। अरे गजब। अच्छा, इस गौशाला में कितनी नस्ल की गाय हैं? हमारे पास 14 नस्ल की गाय। 14 नस्ल की गाय। अरे, आपकी तो एक स्पेशल अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी सारी नस्ल के बारे में जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बने रहिए हमारी वीडियो के, देखते रहिए। हम यूट्यूब के माध्यम से इस गौशाला की बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं। हर नस्ल की जानकारी आपको देंगे, कौन सी नस्ल कौन कैसी गाय होती है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो एक और गाय यहाँ पर गिर है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये 16 लीटर दूध देती है। 16 लीटर दूध। अच्छा, दूसरे ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत की है और बच्चा डाली, बछड़ा दिया। बछड़ा दिया, कितना दिन हुआ बछड़ा की? लगभग एक माह हो गया। और 16 लीटर दूध कर रही है। हाँ। और बहुत सीधी कहीं से भी टच करवा रहे, एकदम सीधी, बहुत ही सुंदर। इस तरह से है गौशाला की जो भी गाय हैं आप देख सकते हैं। बता रहे हैं कि 14 नस्ल की यहाँ पर 14 ब्रीड की गाय हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और जो गाय आपने देखा इसके बारे में भी पूरी जानकारी जो दिया गया है उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये गाय। और इस आश्रम की जो भी गाय हैं वीडियो बना करके हम आपको दिखाएंगे, और उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम वैसे ही बना करके आपको दिखाएंगे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।